हेलो दोस्त, रेलवे भर्ती 2024 का आरपीएफ का जो दिशा निर्देश जारी हुआ है उसमें कैंडिडेट का एक बहुत बड़ा इशू आया है, एज रिलैक्सेशन का। मिलेगा या नहीं मिलेगा, या मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, दोनों के बारे में बात करेंगे। कोविड के कारण और पिछले 5-6 साल से वैकेंसी नहीं आया है, वो जेन्युइन डिमांड है विद्यार्थी का, एकदम रियल डिमांड है, कोई गलत नहीं है, क्योंकि इनको अप्लाई करने का मौका ही नहीं मिला। और भर्ती अगर आएगी तो अगर एज रिलैक्सेशन होगा तो इसमें हम दो पहलुओं पर बात करेंगे। पहला एक पहलू है कि पहले से जो चलते आ रहा था उसको ख़त्म न कर दे, और दूसरा एडिशनल कोविड के कारण देना चाहिए। दोनों पहलू को देखिएगा। कुछ लोग कहेंगे कि ये अभी एज कैसे रिलैक्सेशन मिला था, तो इसको थोड़ा सा समझते हैं। तो इसको समझने के लिए हम वेबसाइट पे आएंगे। इंडियन रेलवे का आरपीएफ आरसीएफ वाला वेबसाइट है, यहाँ पे डायरेक्टिव नंबर 365 जारी हुआ है, जिसको दिशा निर्देश किया गया है कि भर्ती लेना है तो कैसे है, यानी तैयारी है भर्ती का। ये देख लीजिएगा, वेबसाइट ऑफिशियल है, कहीं आप इस पर गलत डायरेक्शन में ना चले जाए। तो यहाँ पे 65 नंबर आया है। इस 65 नंबर का एक मिनट आपको दिखाना चाहूँगा। तो 65 नंबर का जो डिटेल है इसको एक बार मैं लेके आता हूँ। इसमें सब इंस्पेक्टर कांस्टेबल की जो दिशा निर्देश है उसमें एज आ गया है, बाकी जितने भी आए थे उसमें एज की बात नहीं की गई थी। तो इसमें एज जो दिया है वो कैंडिडेट का एज लिमिट देखेंगे तो हर विद्यार्थी परेशान है कि इतनी कम एज कैसे है। 20 से लेके 25 सब इंस्पेक्टर के लिए, कांस्टेबल के लिए 18 से 25। हालांकि लोअर एज पे किसी का एतराज नहीं है, अपर एज में है। अपर एज भी दो पहलू मैंने बात किया था। पहला पहलू कि ये 3 साल रिलैक्सेशन के साथ है, और दूसरा हमें एडिशनल चाहिए। अगर ये 3 साल भी ख़त्म कर दिया, जैसा कि 2019 के और 18 के नोटिस में दिया था कि ये लास्ट है, इसके बाद हम नहीं देंगे, जो जेन्युइनली ख़त्म नहीं होता हुआ दिख रहा है, तो ये 3 ईयर घट जाएगा तो हो जाएगा ये 22 ईयर। बहुत मुश्किल है, लेकिन 25 दिया है तो हम 25 मान के चलेंगे कि 3 ईयर दे रहा है, लेकिन आपको सतर्क रहना चाहिए इसके बारे में भी, और एडिशनल के लिए डिमांड करनी चाहिए। ये 3 साल वाला क्या है देख लीजिएगा, जब डिमांड करिएगा तो इसको ध्यान में रखते रहिएगा कि जब 2018-19 की नोटिफिकेशन आई थी तो वही कंडीशन बना था। उसमें कंडीशन के बाद इन्होंने आरबीआई नंबर 25/2018 निकाला था, जो 21/2/2018 का आया था, जिसमें बोला गया था कि अपर एज लिमिट जो है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की गजेटेड पोस्ट एलपी टेक्नीशियन जेई एसएससी एनटीपीसी लेवल 1 मिनिस्ट्रियल आइसोलेशन वाला है, और फिर दूसरा आपका जितने भी पोस्ट है हेल्थ एंड मलेरिया मेडिकल स्टाफ वाले जितने भी सारे पोस्ट हैं उन सारे पोस्ट को रेडियोग्राफी वगैरह जितने भी पोस्ट है उसमें हम 3 ईयर का रिलैक्सेशन दिया जाता है रेलवे की तरफ से, वो अभी कंटिन्यू रहेगा। 3 ईयर दिया जाएगा जो पहले चलते आ रहा था, और ये 1/18 और 2/18 के अलावा और भी पोस्टों पर 3 ईयर चलते रहेगा। ये 3 ईयर थोड़ा ध्यान से देख लीजिएगा, 3 ईयर रिलैक्सेशन। तो ध्यान आपको रखना है कि ये पहले वाला ख़त्म ना हो, और दूसरा ध्यान रख रहा है एडिशनल भी मिले, ये आपको फोकस रखना है। तो कुल मिला के अगर कहें तो अभी के नोटिफिकेशन के हिसाब से तो पहले वाला आपको बरकरार है, यानी 3 ईयर वाला नोटिफिकेशन में बरकरार है, बस डिमांड है तो कोविड वाला कारण के लिए। तो इसको समझ लेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।